कि भाजपा के लिए एक नया फेस है और उसको आप बड़ा पद दे दीजिएगा तो बाकी लोग तो आपके जो हैं वो आपके मुखालफत में खड़े हो जाएंगे। और ये अच्छी तरह जान लें आदित्य राजे सिंधिया कि जब बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया तो इनकी क्या औकात होगी, इन्हें ऐसे ही भाप देंगे। इनको जब उनकी ज़रूरत महसूस किया ये डिस्पोजल की तरह यूज़ करते हैं, जैसे एक नैपकिन यूज़ करती है बाद में उसे फेंक देते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेतियाँ और सेंड कर दिया। हमको अगर सेवा करना है अपने देश का या अपने राज्य का या अपने शहर के लोगों का तो हमको पार्टी बदल करके हमको क्या मिलने वाला है? हम तो या तो फिर अपने आप को गुमराह कर रहे हैं या तो फिर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह का ट्रस्ट चलाना चाहिए था, या महात्मा गांधी भी तो बहुत बड़े हमारे देश के वो थे, महात्मा थे, लेकिन उन्होंने तो किस तरह की पोर्टफोलियो नहीं लिया था, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस अंग्रेज़ की तरफ तो नहीं चले गए थे भाई। अगर उनको सेवा था तो जब इनको ये डर था कि मैं सेवा करूँगा तो महात्मा गांधी ये कहते हैं कि चूंकि अंग्रेज़ जो है रूलिंग पार्टी है इंडिया चला रही तो मैं उनकी तरफ चला जाऊँगा, ज़्यादा सेवा करूँगा। कांग्रेस की तरफ वो बोल रहे थे सेकुलर का दम, सेकुलरिज्म का दम भर रहे थे, अभी वो बीजेपी में गए हैं तो देखिएगा वो जहर उगलेंगे, उन्हें भी उन विशेष धर्म के लोगों से नफरत हो जाएगी, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो या कोई भी कास्ट में हो, इनको हमदर्दी किसी से नहीं है। ये खाली अपना उल्लू सीधा कल देखिएगा बीजेपी के तोता बनेंगे, मीठू कटोरे कटोरे कहेंगे, जैसे बुझाएगी बीजेपी वैसे कहेंगे, कटोरे कटोरे बोलना शुरू कर देंगे, जैसे बहुत सारे बोलते हैं। जब कव्वाल गाना गाता है तो कोरस देने वाले दो होते हैं, तो दो मियाँ जी हम लोग यहाँ से भी कोरस दे रहे हैं, एक शहनवाज़ हुसैन है हमारा या मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये दोनों को देखिए कोरस के लिए रखा उन्होंने। आपकी ज़मीर गवारा कैसे करती है? आप ज़मीर मर्दा हो गए, मर गई आपकी ज़मीर, आपने कुछ सोचा ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये में कपिल मिश्रा हैं जो जब तक वो आम आदमी पार्टी के थे तो वो आम आदमी पार्टी की तरह ही वो बड़े नर्म स्वभाव के थे, और जैसे ही उन्होंने पार्टी चेंज किया और वो भाजपा में आ गए तो आपने देखा उसका रिजल्ट क्या हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ये खबर पुरानी हो चुकी है। कहकर ये गए हैं कि उन्हें कांग्रेस में सही से सम्मान, सही से जगह नहीं मिल रही थी, काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। क्या सेवा करने के लिए वाकई में पार्टी चेंज करना ज़रूरी है, वो भी उस पार्टी को जिस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, ऊंचा मकाम दिया? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि क्या होगा भविष्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या लगता है आपको कि क्या होगा भविष्य, अच्छा होगा? देखिए, जहाँ तक हम आज तक देखते चले आए हैं कि जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया है, आज उनका फ्यूचर देखिए ना कि वो किस मुकाम पे हैं, क्या पद उनको मिला है। सिर्फ उनको यूज़ किया गया है उनकी पुरानी पार्टियों को तोड़ करके अपने पास समेटने के लिए, ना कि उनको कोई बड़ा पद देने के लिए। और आप खुद भी इस बात को महसूस कीजिए कि जो लोग पहले से ये भाजपा में जो लोग पहले से मौजूद हैं जिनको वो पद चाहिए था, अब एक बाहर का बाहरी आप मान लीजिए, आप एकदम नया मान लीजिए, नया फेस मान लीजिए कि भाजपा के लिए एक नया फेस है और उसको आप बड़ा पद दे दीजिएगा तो बाकी लोग तो आपके जो हैं वो आपके मुखालफत में खड़े हो जाएंगे। तो इसके मतलब ये होता है कि आप उनको भी नाखुश करना नहीं चाहते हैं तो इनको भी आप वैसा पद देंगे नहीं, तो इसके मतलब ये होता है कि आपका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। फिर से आपको जहाँ से आप शुरुआत आपने किया था, आपको फिर से अब वहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। पास्ट में अगर आप देखें तो भाजपा के जो भी लीडर्स थे उनको साइड लाइन करके सिर्फ दो लोगों की हुकूमत रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, क्या इनको वो जगह मिलेगी? इनको जगह कभी नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि जो इनकी इन लोगों ने क्या किया था कि 2002 में जब बहुत बड़ा गुजरात का जब दंगा हुआ है, इत्तेफाक से उस वक्त नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ पर बीजेपी चाह रही थी कि इतना बदनाम हो चुके थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, अमेरिका ने इनके वीज़े पर भी पाबंदी लगा दिया था, बड़ा मशहूर वाक्य था, बाद में फिर आया तो उन्होंने हाथ लगाया था, लेकिन साथ सिर्फ दो आदमी ने दिया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने, एक अपना बाला साहब ठाकरे ने, इन दोनों ने ये कहा था कि नहीं हटेंगे और उन लोगों को इन्होंने लाया। नरेंद्र मोदी महोदय या हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, जैसे ही अपनी सत्ता में आए तो सबसे पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी को लगा दिया इन्होंने किनारे, उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी गए, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद फ़ौरन जो है उमा भारती, चूँकि बहुत उनकी सक्रियर वो थी, उसके बाद जसवंत सिन्हा थे, तो इन लोगों को इन्होंने साइड लगा दिया।
और उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि उस वक्त साथ इन्होंने दिया था आपके राजनाथ सिंह जो हमारे होम मिनिस्टर थे 2014 में जीतने के बाद, तो इन्होंने जैसे देखा तो एक पीठ सुलाते हुए इनको होम मिनिस्ट्री दे दिया। लेकिन जैसे ही 2019 आया है इनको तो सेंडिंग पोस्ट दे दिया फॉरेन मिनिस्ट्री दे के और इनकी बोलती को बंद कर दिया। उसके पहले चूंकि अरुण जेटली मर गए तो तीन आदमी का कुछ 2.5% मतलब 50% दो, एक तो अमित शाह जी और दूसरे के हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये दो की हिम्मत चलती थी, लेकिन बीच बीच में कभी कभी 50 पैसे के रूप में अरुण जेटली आते थे। इसलिए हम लोग अक्सर कहते थे कि ये 2.5 लोगों की ही हुकूमत चल रही है, लेकिन इस बार तो है तो अब तो अरुण जेटली रहे नहीं, तो अब ये दो ही लोगों की हुकूमत चल रही है। तो जहाँ तक हमारा अभी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आप जो देख रहे हैं, जो कल की जो हमारे ज्योति आदित्य राज सिंधिया ने जो इस तरह का खेल खेला है कांग्रेस के साथ, जो बेईमानी करके ये आगे बढ़े हैं किसी को ठेंगा दिखाते हुए, तो ये शायद वो उनकी तो भूल है, लेकिन उन्हें यह मालूम होना चाहिए और ये अच्छी तरह जान लें आदित्य राज सिंधिया कि जब बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया तो इनकी क्या औकात होगी। इन्हें ऐसे ही भाप देंगे, इनको जब उनकी ज़रूरत महसूस किया ये डिस्पोजल की तरह यूज़ करते हैं, जैसे एक नैपकिन यूज़ करती है बाद में उसे फेंक देते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेतियाँ और सेंड कर दिया, इसी तरह से कुछ दिनों के लिए, चंद ही समय के लिए है, चूँकि अभी देखिए आपकी मेनका गांधी पीलीभीत से जीती हुई है, सक्रिय है, एक्टिव है और बहुत ही कद्दावर नेता है, और उनके बेटा जो है वरुण गांधी, ये दोनों नेता, लेकिन ये लोग ख्वाब रह गया कि कोई बड़े पोर्टफोलियो इनको देते हैं, बड़ा चेहरा उभार के देते हैं, स्टार प्रचारक के रूप में इनको डाल देते हैं, लेकिन उन लोग ऐसा नहीं किया। इसलिए हमको लगता है कि आदित्य राज सिंधिया ने जो इस तरह का कदम उठाया, शायद इनका कदम अच्छा नहीं है और ये आने वाले कल में शायद इनका फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में अंधकार की तरफ ये गए, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। तो मतलब ये समझा जाए कि जो भी नरेंद्र मोदी का जिन लोगों ने भी साथ दिया है, चाहे वो एल के आडवाणी हो या वो बाला साहब ठाकरे हो, बाला साहब ठाकरे को भी इतनी पुराने रिश्ते थे, शिवसेना के साथ गठबंधन था जिसको तोड़ना पड़ा, तो जिन लोगों ने भी साथ दिया है नरेंद्र मोदी का, उनको नरेंद्र मोदी ने साइड लाइन करके खुद से आगे बढ़ गए हैं। ये आप भी मानते हैं ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा मानते हैं और ऐसे पूरा हिंदुस्तान जान रहा है इस बात को लेकर के कि उन्होंने हमेशा लोगों को, जैसा आपने बताया कि लोगों को डिस्पोजल की तरह उन्होंने यूज़ किया है, यूज़ किया और उन्होंने फेंक दिया, यही हो रहा है आज तक। ज्योतिरादित्य ने कहा कि हमें वहाँ काम करने का, सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, मिल रहा था कांग्रेस में, इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। क्या सेवा करने के लिए पार्टी बदलना ये ज़रूरी है? ये आपको नियत सही लगती है कहीं से किसी भी एंगल से? जी जी ऐसा है, ये तो बिल्कुल ही एक हास्यास्पद बातें होती हैं कि हमको सेवा करना है तो हमको पार्टी बदलने की ज़रूरत क्या है भाई, हमको अपना चोला बदलने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? हमको अगर सेवा करना है अपने देश का या अपने राज्य का या अपने शहर के लोगों का, तो हमको पार्टी बदल करके हमको क्या मिलने वाला है? हम तो या तो फिर अपने आप को गुमराह कर रहे हैं या तो फिर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमको जहाँ तक लग रहा है कि देश की जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं बल्कि ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक बहुत ही पुराना, चूँकि इनका ख़ानदानी रिश्ता रहा है कांग्रेस से, तो आप ये समझ लीजिए कि आज ये यहाँ पर आए हैं तो क्या सोच करके आए हैं। और हमको लग रहा है कि ये जिस वक्त होगा कि अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब ये सब कुछ इनका जब ख़त्म हो जाएगा तब उनको एहसास होगा कि हमने जो ये कदम उठाया है वो क्यों उठाया, कैसे उठाया, हमें उठाना चाहिए था कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि महोदय सेवा करने के लिए आपको किसी तरह का ट्रस्ट चलाना चाहिए था, या महात्मा गांधी भी तो बहुत बड़े हमारे देश के वो थे, महात्मा थे, लेकिन उन्होंने तो किसी तरह की पोर्टफोलियो नहीं लिया था, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस अंग्रेज की तरफ तो नहीं चले गए थे भाई। अगर उनको सेवा था तो जब इनको ये डर था कि मैं सेवा करूंगा तो महात्मा गांधी ये कहते हैं कि चूंकि अंग्रेज जो है रूलिंग पार्टी है, इंडिया चला रही, तो मैं उनकी तरफ चला जाऊंगा, ज़्यादा सेवा करूंगा भाई। तो निरपेक्ष होकर सेवा करना था, अगर उनको इतने ही बड़े वो दानी थे और इस तरह के वो चाह रहे थे कि सेवा करूं, तो भाई मैं तो कहूंगा कि मैं बेलौस सेवा करता। जैसे 1948 में महात्मा गांधी जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी को लोगों ने कहा कि आप क्या पोर्टफोलियो चाहते हैं आपको देश का, चूंकि आप राष्ट्रपिता हैं आप जो चाहें लें, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूँगा, मैं किसी भी तरह की कोई पोर्टफोलियो नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहूँगा और आज़ाद रहूँगा और आप रखें, आपको जो भी लेना है पोस्ट आप ले लें, मैं सेवा करूँगा। तो मैं वो समझता हूँ कि अगर महात्मा ही बनने का उन्हें शौक था तो फिर इस पार्टी में ना जाके अकेले वो किस तरह का वो करते, कोई ट्रस्ट चलाते रहते। वो जो हैं पार्टी को छोड़ देते, पार्टी से संन्यास लेते, उसके बाद संन्यास लेकर वो सेवा करते। सेवा करने के लिए कोई टैग का होना मेरे ख्याल से कोई ज़रूरी तो नहीं है ना,
उनको ये चाहिए था कि वो कांग्रेस को छोड़ करके भले भाजपा में ना जाते हैं, किसी में ना जाते हैं, वो खुद से आज़ाद होकर के जो है लोगों की सेवा करते हैं, और मेरे ख्याल से आज़ाद होकर वो पहले से ज़्यादा कर पाते हैं। उनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन नहीं होता, दबाव नहीं होता, और वो जनता के बीच में पलके पहले से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। एक चीज़ और, हम अभी कुछ पुराने उनके भाषण देख रहे थे, सुन रहे थे, उसमें बीजेपी की सरकार को वो हिटलर शाही का नाम दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी को कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है, करने की आज़ादी नहीं है, ये सब अब क्या वो इस तरह से बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका तो ये मिशन ही था। और मैं तो समझता हूँ कि राजनीतिक में ये लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, सत्ता के लोभी लोग यही करते हैं हमेशा। और आप जानते हैं कल आज कांग्रेस की तरफ वो बोल रहे थे, सेकुलरिज्म का दम भर रहे थे, अभी वो बीजेपी में गए हैं तो देखिएगा वो जहर उगलेंगे, उन्हें भी उन विशेष धर्म के लोगों से नफरत हो जाएगी। कल आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही वो राज्यसभा में पहुँचते हैं कितना नफरत भरे वो स्लोगन देने शुरू कर देंगे। इसलिए कि इनको किसी भी होम्यूनिटी से या कम्युनिटी से कोई मोहब्बत या हमदर्दी नहीं है। मैं कहता हूँ ये नहीं जरूर, मैं कहता हूँ कि विशेष कोई धर्म की बात हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो या कोई भी कास्ट में हो, इनको हमदर्दी किसी से नहीं है। ये खाली अपना उल्लू सीधा कल देखिएगा बीजेपी के तोता बनेंगे, मीठू कटोरे कटोरे कहेंगे, जैसे बुझाएगी बीजेपी वैसे कहेंगे, कटोरे कटोरे बोलना शुरू कर देंगे जैसे बहुत सारे बोलते हैं। अब देख लिए मेरे यहाँ दो हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी से आते हैं तो जैसे रिचुअलिस्ट बचाते हैं, हम देखा कव्वालों के अंदर दो कोरस होने वाले होते हैं, जब कव्वाल गाना गाता है तो कोरस देने वाले दो होते हैं, तो दो मियाँ जी हम लोग यहाँ से भी कोरस दे रहे हैं, एक शाह नवाज हुसैन है हमारा मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये दोनों को देखिए कोरस के लिए रखा उन्होंने। कल इतना बड़ा मामला हुआ, उन्होंने नहीं कल को आज बीजेपी से कांग्रेस से जैसे ही हटा, कांग्रेस से जैसे ही आदित्य राज सिंधिया हटे, फौरन जो है शाहनवाज हुसैन को डिबेट में बुला लिया इन्होंने कि आप समीक्षा करें, आप तो बड़े नेता हैं, एक उभरे हुए नेता हैं, माइनॉरिटी के नेता। कल इतना बड़ा हादसा हुआ आपने नहीं बुलाया। और मैं तो अपने इन भाइयों की बात करता हूँ, मैं अपने भाई शाहनवाज साहब की बात करूँ, मैं अपने भाई मुख्तार अब्बास नकवी भाई की बात करूँ कि आप लोग ज़रा भी शर्म करें, बीजेपी में आप हैं रहिए बीजेपी। मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी पार्टी कोई बुरी है, लेकिन आपकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, विशेष जो धर्म के लोगों पर जो आपका टारगेट है, मैं उससे नफरत करता हूँ कि आपकी ज़मीर गवारा कैसे करती है, आप ज़मीर मर्दा हो गए, मर गई आपकी ज़मीर, आपने कुछ सोचा ही नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा, आपके भाइयों के साथ क्या बीत रहा, आपने तो सीधा कर दिया। तो ये भी कल वही करेंगे। आज ये सिंधिया महोदय, ये सिंधिया जी जो गए हैं, कल तक तो कांग्रेस के का भजन गा रहे थे और आज पहुँचे हैं जैसे ही बीजेपी मीठी कटोरे करना शुरू कर देंगे, तो इनका तो यही फ्यूचर ही है। तो कांग्रेस की नीतियों की जो कल तक तारीफ कर रहे थे, अब कल से आने वाले कल से कांग्रेस की नीतियों की बुराई करना शुरू कर देंगे। जी, मुझे याद आ रहा है आपके कि जो दिल्ली में कपिल मिश्रा हैं, जो जब तक वो आम आदमी पार्टी के थे तो वो आम आदमी पार्टी के तरह ही वो बड़े नर्म स्वभाव के थे, और जैसे ही उन्होंने पार्टी चेंज किया और वो भाजपा में आ गए तो आपने देखा उसका रिजल्ट क्या हुआ। अभी तो पिछले हफ्ते आपने देखा कि किस ढंग से जो है दिल्ली जली और कितने लोग मारे गए, कितनी बर्बादी हुई। तो आप समझ लीजिए कि फिर वही ये सिंधिया जी का भी वही हाल होने वाला है, और उनके भी इसी गरम गरम बातों से जो है हमको लगता है कि एक बार वो जो है MP भी जलेगा, मध्य प्रदेश भी जलेगा, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि भाई वो तो असल में उनको अब मोदी जी को और अमित शाह जी को खुश करना है, और उनको खुश करने के लिए वो तेजाब वो छिड़केंगे, वो गर्म बातें बोलेंगे, वो देश में नफरत फैलाएंगे, और वही हाल होगा कि जैसे दिल्ली जल रही थी अब जो है MP जलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी आपने देखा, लोगों की अपनी अपनी राय है, और दोनों का ही ये मानना है, हमारे साथ जो लोग थे इस चर्चा में शामिल हुए थे उनका ये मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई भी भविष्य शायद ना बन पाए भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बड़े से बड़ों को किनारे कर दिया है। ये सिंधिया किस खेत की मूली है? मैं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज डेस्क के लिए। आपकी आवाज